दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में आए कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से हो रहे हैं बुरी तरह ट्रोल। आपको बता दें, हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कनाडा में हो रहे उनके कॉन्सर्ट में अचानक से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो पहुंच जाते हैं। दोनों का ये क्यूट मोमेंट बहुत ही ज्यादा वायरल होता है। हालांकि इस बीच जस्टिन ट्रूडो ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसे देख हर कोई भड़क गया। जस्टिन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दिलजीत दोसांझ को इंडियन सिंगर के बजाय पंजाबी सिंगर कहा, जिसको देख हर कोई हैरान रह गया। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो शब्दों के खेल के जरिए जानबूझकर शरारत कर रहे हैं। आपको बता दें, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो टोरंटो रॉजर्स सेंटर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में पहले अचानक से पहुंचते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। इस बीच कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दिलजीत के साथ एक पिक्चर शेयर की और अपने पोस्ट में लिखा, कनाडा एक महान देश है जहां पंजाब का एक लड़का इतिहास बना सकता है और स्टेडियमों को भर सकता है। डायवर्सिटी केवल हमारी ताकत नहीं है, ये एक महाशक्ति है। कनाडा के पीएम के इस पोस्ट ने बवाल मचा दिया। इसको लेकर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कनाडा के पीएम ट्रूडो की बात को सही करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं इसमें सुधार करना चाहता हूं, जहां भारत का एक व्यक्ति इतिहास बना सकता है और स्टेडियमों को बेच सकता है। उन्होंने कहा कि गायक दिलजीत जैसे शानदार कलाकार की प्रशंसा करने का आपका कदम शब्दों के खेल के जरिए की गई, आपकी जान मूझकर की गई शरारत के कारण पूरी तरह फीका पड़ गया। आपको बता दें, इससे पहले भी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की हत्या के मामले में भी जस्टिन ट्रूडो ने कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल होना पड़ा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीच। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो प्लीज हमें फॉलो करें।